नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नलिपिस्टनोग्राफी में तो फ्रेंड्स आज की जो डिक्टेशन रहेगी वैसे शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसके आउटलाइंस की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ठीक है दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देवें तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकंड बाद महोदय यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफ़ग़ानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है अफग़ानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया जिनकी परिणति युद्ध की समाप्ति से हुई तथा जिसमें ए जर्मनी का एकीकरण तथा सोवियत संघ का विघटन शामिल है संक्षेप में शीत युद्ध का और इस तनाव का एशिया की एकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ा एशिया के सभी देश यह चाहते थे कि क्षेत्र में शांति बनी रहे चीन और सोवियत संघ का सीमा विवाद चीन और वियतनाम का झगड़ा और भारत व चीन का सीमा विवाद उस समय की परिस्थितियों को स्पष्ट करता है इस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से थाईलैंड और फिलीपींस के साथ अमेरिका के खेमे में चला गया था जापान अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम के देशों में सामीप्य स्थापित कर रहा था इससे एशिया की एकता को एक नया धक्का लगा है क्योंकि एशिया के देश अलग अलग खेमों में बंट गए थे 1960 के दशक में एक नया मोड़ आया जब शीत युद्ध के समय में आसियान के नाम से एक नए गुट का प्रादुर्भाव हुआ इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रयास किए गए इन देशों में सांस्कृतिक एक रूपता की वजह से भी एक नए गुट ने जन्म लिया लेकिन यह कहना कठिन होगा कि इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से समूचे एशिया की पहचान या एकता बनाने में सहायता मिली है या उससे दखा लगा है क्योंकि इन देशों ने अपनी नीति बहुत स्पष्ट नहीं की और केवल अपने ही गुट के अंदर भूमिपुत्र नीति को जन्म दिया भारत भी अब आसियान का सहयोगी सदस्य बनने जा रहा है भारत की पहल से दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 1985 में की गई जिसके फलस्वरूप पड़ोसी देशों के आपसी सहयोग के लिए नया वातावरण तैयार हुआ यह प्रयास सने सने उपयोगी रूप लेता जा रहा है जो एशिया की पहचान बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है व्यापार निवेश तकनीकी ज्ञान संचार माध्यमों में बढ़ोतरी ने विश्व गांव के विचार को भी पैदा किया बढ़ते हुए व्यापार निवेश संचार एवं विज्ञान की आधुनिक तकनीकों ने पूरी दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर रहने के नए विचारों को जन्म दिया अंग्रेजी भाषा हॉलीवुड कंप्यूटर्स और उपभोक्ता संस्कृति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया जिससे देशों में फासले कम हुए संस्कृति और सभ्यता भी प्रभावित हुई हो सकता है कि इसके अच्छे परिणाम न हो ऐसी भी आशंका की जाती है उदाहरणतः जापान दूसरे महायुद्ध तक अपनी संस्कृति और सभ्यता व संयुक्त परिवार जैसी आधारभूत सामाजिक मान्यताओं को केवल अपनाए हुए नहीं था बल्कि उससे चिपटा हुआ था लेकिन जापान जैसे सभ्यता वाले देश भी यूरोप के प्रभाव से बच नहीं सके स्टॉप